तो भाई लोग आप सभी को तो पता होगा कि एलविस यादव का जयपुर मीटअप के दौरान वहाँ पर एलविस यादव के साथ में बहुत ही गंदा वाला सीन क्रिएट हो गया था। और वहाँ पर गैस एलविस यादव को कोई पीछे से बंदा गाली बकता है, जिसके बाद गैस एलविस यादव पीछे मुड़ करके उस बंदे को 3-4 थप्पड़ लगा देते हैं। अब इसके बाद तो गैस काफी सारे लोग एलविस यादव को भी हेट देने लग गए थे कि एलविस यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर भी ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो ऐसा गैस क्या हुआ था वहाँ पर कि एलविस यादव को हाथ उठाना पड़ गया था? एलविस यादव ने खुद अपने रिसर्च के ब्लॉग वीडियो में बात किया, आप लोग छोटा सा क्लिप देख सकते हो। बड़ा खराब, बड़ा गंदा, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, वो चीज अच्छी नहीं लगती मुझे ना भाई। मेरे कानों में आवाज आ गई, मगर ये क्या सुन लिया मैंने? मेरा नाम लेकर बोला उनने भाई, मैंने फिर वीडियो में तुमने देखा, मैंने उल्टा घुमा और मैंने उसका मार दिया। पूरा बताऊं, ढंग से बताऊं, मैं पीछे मुड़ा भाई, उसके ना शरीर कांप गया लड़के का कि सुन ली इसने और अब क्या करेगा ये। तो उसने ना हाथ उसने हाथ आगे करा, मैंने भी हाथ आगे करा, उसने भी हाथ आगे करा। उसको लगा कि नहीं पता है क्या मिलने आ रहा मेरे से। मैं कहा मिलने आऊंगा मैं, 3:30 जो बोली मुझे मिलूंगा मैं तेरे से नॉर्मल। मैंने जड़ दिया भाई तमाचा। उसके बाद थोड़ी तू तो मैं से, उसने कुछ नहीं बोला। हमारी साइड से बंदे कह रहे थे भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोक रहे थे। ऑब्वियसली बात है भाई, रोकेंगे यार, लड़ाई थोड़ी होने देंगे वो।